इतना जोश और खरोश के साथ अभी आप बोले हैं, इतना धुरंधर स्पीच दिए हैं कि किसी भी बेगुनाह को आप फांसी के तख्ता पे चढ़ा देंगे। देखिए हमारी बात सुनिए, हम बताते हैं आपको, ये जौन जबरवा मरा है ये इंसानों के लिए जिंदगी नहीं मौत का सामान था। इसकी हरकत से न जाने कितने लोग अपना दम तोड़ दिए हैं, जानते हैं? न जाने कितनों का जनाजा निकल चुका है, कितनों का अर्थी उठ गया है, कुछ मालूम आया आपको? बस ससुरा हमको कहीं गली में दिख जाए तो उसका सीने में गोली दाग देंगे हम। और इसीलिए तुमने उसका खून कर दिया? किया हो तो ना। ये जुमले बोल के तुम कानून और अदालत को गुमराह नहीं कर सकते लाल सिंह। सरेआम तुमने जब्बर सिंह की हत्या की है। अच्छा चलिए मान लीजिए कि हमने सरेआम सरे बाजार हत्या की है, और 10-20-50 आदमी तो हमको देखा होगा। और चलिए 10-20-50 छोड़ दीजिए, एक आदमी तो हमको देखा होगा। हर बार तुम गुनाह करके बच जाते हो क्योंकि तुम्हारे खिलाफ कोई गवाही देता ही नहीं है। तो हम क्या करें हुजूर? अब बात करने से कहीं कोई कानून बनता है, आप तो अच्छी तरह जानते हैं। वकील साहब की तरह किताब पढ़े हैं कानून पे, एक आध किताब हम भी पढ़े, हमको भी मालूम है। जानते हैं जब तक गवाह इस कटघरा के अंदर खड़ा होकर के हुजूर से नहीं बोलेगा कि मिलाड हमने अपनी आंखों से लाल बादशाह को कत्ल करते हुए देखा, हम चश्मदीद गवाह हैं, तब तक हम सिर्फ मुलजिम हैं, मुजरिम नहीं। हाँ अगर हम खूनी साबित कर दिए जाए तो हुजूर बोलेंगे कि तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत लाल बादशाह को मुजरिम करार देती है और ताजराते हिंद दफा 302 के तहत फांसी की सजा देती है। उसके बाद खुशी से हम फांसी का फंदा अपने गले में डाल लेंगे, और जब गवाह नहीं है तो फांसी का फंदा हम कहां डालेंगे बोलिए? ऑर्डर ऑर्डर। अब बोलिए, हमारा मुख क्या ताक रहा है? 2 घंटे से खड़ा खड़ा वहां भाषण दे रहा है और ये टिपी-टिपी पर ये टाइपराइटर चला रहा है, कोई गवाह नहीं ला रहा है। कहिए बोलो जी, हम ठीक कर रहे हैं कि नहीं? आप हमेशा ठीक कहते हैं। तो हिलते कहां है? कोई सबूत या गवाह ना होने के कारण अदालत लाल बादशाह को निर्दोष करार देते हुए बाइज्जत बरी करती है। नमस्कार करते हो जो लाल बादशाह।